दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत। इस वक्त मैं मौजूद हूं नानपुर प्रखंड के छोटी बाजार पर। जी हां, मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख रहे होंगे कॉमर्स धारा अपेक्स क्लासेस का। बचपन में एक स्लोगन हमने सुना था कि गुरु गोविंद खड़े हैं काके लागू पहले पांव। जी हां, ये स्लोगन मुझे याद आ रहा है आज, और क्यों याद आ रहा है ये मैं पूरी बात आपको बताऊंगा। जी हां, इस कहावत को सच कर दिखाया है यहाँ के जगमोहन सर और दानिश राजा सर ने। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी इंटर का रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट से हमारे सीतामढ़ी जिले में काफी हर्षोल्लास देखा जा रहा है। इसका कारण है कि कॉमर्स में जो बिहार की टॉपर टॉप टू में है वो अपने जिले की बच्ची है, और एक और बच्ची है जो जिसने जिला टॉप किया है। वहीं अभी मैं जहां खड़ा हूं, यहां इसलिए खड़ा हूं कि मुझे ये जानकारी मिली कि कॉमर्स धारा एपेक्स क्लासेस के 57 बच्चों ने, जी हां आप सुन रहे हैं, 57 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और इस कामयाबी का श्रेय उस गुरुओं को जाता है जिन्होंने उन बच्चों को इस लायक बनाया। आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं, और यहाँ पे जिन बच्चों ने सफलता हासिल की है हम उनसे भी बात करेंगे, और उन गुरुओं से भी बात करेंगे जिन्होंने उन बच्चों को सफलता का वो मंत्र दिया जिससे वो बच्चे आज अपनी कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं, जिसमें 57 में से 57 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन से पास करके अपने गांव, समाज और अपने क्लास का नाम रोशन किया है। आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं और बात करते हैं यहां पे उन बच्चों से, और यहां के जो शिक्षक हैं जगमोहन सर और दानिश राजा सर, हम दोनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने इन बच्चों को कौन सा गुरु मंत्र दिया जिससे उन बच्चों ने अपनी सफलता का परचम लहरा दिया। कौन सी क्लास में है? क्लास से एग्जाम दी हूं। फर्स्ट डिवीजन से पास कर दी। कितना नंबर आया? 349। क्लास में कितने बच्चे साथी थे आपके? सर मैं तो साइंस से थी, तो मेरे 4-5 साथी थे। और इंटरमीडिएट में यहां पढ़ने वाले कितने बच्चे बच्चियां? 57। सबका रिजल्ट कैसा आया? सर बहुत अच्छा आया है, मतलब जिस तरह से सर तैयारी करवाए हुए थे सर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हमने भी बहुत मेहनत की और सर ने तो अपना फुल सपोर्ट हम लोगों को किया। अच्छा, हम लोग को जानकारी मिली थी कि यहाँ 57 बच्चे पढ़ने वाले हैं और 57 का 57 फर्स्ट डिवीजन हुआ, यानी 100% रिजल्ट दिए हैं, क्या ये सही है? यस सर। सही है या? क्या राज है इसके पीछे कुछ बात? सर क्योंकि हम लोग मेहनत की है, सर ने जिस हिसाब से सहयोग किया है हम लोगों का, हम उनका आशीर्वाद था, तो कैसे फिर रिजल्ट नहीं आता। इस कामयाबी का सिरा किन को देना चाहेंगे? सर फर्स्टली तो पेरेंट्स को देना चाहेंगे जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं, और उन टीचर को देना चाहेंगे जो सही रास्ता दिखाते हैं। कॉमर्स धारा अपेक्स जी, कैसी है यहाँ की पढ़ाई? ठीक है, बहुत बढ़िया है। हमारे सर है वो देश उसे नहीं पढ़ाते हैं, वो पूरा सिलेबस ख़त्म करते हैं और वो रट्टा उट्टा नहीं मराते, पूरा क्वेश्चन के पूरा बढ़िया से उसको समझाते हैं। दो तरह की, एक रट्टा होता है, एक समझ जी, और एक रट्टा वाला जी। आप लोग कौन सी तालीम? समझदारी वाली जी। क्या कहना चाहेंगे इस जो ये आप जीत मिली है उसका सर इसका ताज किनको पहनाना? तो सबसे पहले अपने माँ को, उसकी मेरे माँ का हाथ है, और उसके बाद जैसा होता। आपके बैच में कितने लोग थे? हमारे बैच में 57 पूरा है। सभी लोग पास किए? सब फर्स्ट डिवीजन से। प्रिया कुमारी। कितने नंबर आया आप? 447। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले मुझे मम्मी पापा और सर भी इससे बहुत मेहनत किए हैं, हम लोग को बहुत अच्छा से पढ़ाते थे, हमेशा समझा के पढ़ाते थे, हर महीने टेस्ट भी लिया करते थे। कहाँ से पढ़ाई की है? अब कॉमर्स धारा एंड अपेक्स क्लासेस। कौन सर है जो अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, क्या नाम है?
जगमोहन सर और दानिश सर दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमेशा समझा कर ही पढ़ाया करते हैं। आप अपने जूनियर आने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बोलेंगे अपेक्स क्लासेस जो कॉमर्स धारे हैं, अपेक्स क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, यहाँ पे पढ़ें आके देखें कितना अच्छा पढ़ाई होता है, हमेशा सिलेबस समय से पूरा किया जाता है यहाँ पे। तो आपके बैच में कितने लोग थे? 57। सबका कैसा रिजल्ट रहा? सबका बहुत अच्छा रिजल्ट था। आप फर्स्ट किए हैं और बाकी के सब फर्स्ट ही किए हैं? 57 में 57 फर्स्ट किए। राहुल कुमार जी, कितना नंबर आया? 375। कहाँ पढ़ते हैं? कॉमर्स धारा में एस्टेट क्लास। कितने आपके रिजल्ट? 57। सबका रिजल्ट कैसा आया? सबका सब फर्स्ट किए हैं। नहीं, हमारे सर पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। यानी कि 100% रिजल्ट जी? 100% पहले पढ़ाई प्लस सिलेबस दिया गया था, और कितने मंथ में कितना सिलेबस कवर करना है ये हम लोग का सर बताए थे, और हम लोग उसी को फॉलो करके पढ़े। तो सर हर महीने मैंने का सिलेबस पढ़ाए, फिर उसका टेस्ट लिए, और टेस्ट में भी जब प्रोग्रेस आती गई तो फिर सबको पढ़ाई में मन लगता गया। सर सबको यानी कि सरप्राइज देते गए हर टेस्ट में, और इसी वजह से सबको पढ़ाई में सरप्राइज लेने के लिए सबको पढ़ाई में अच्छा लगा, और सर का मेहनत भी था, तो इसी की वजह से हम लोग ने कुछ अच्छा मेहनत किया। सर ने भी हम लोग के ऊपर मेहनत बहुत अच्छे से किया। अभी जिन बच्चों ने अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है, सोच रखता है, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? हम यही कहेंगे कि पहले आप जो सोच रखे हैं उस पर फोकस करिए, तो अभी नर्वस मत होइए, अपने पेरेंट्स से सलाह लीजिए, टीचर से सलाह लीजिए, और इतना अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर पीछे नहीं हटिए। पीछे ये राज है कि हमारे सर जो हैं वो पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, और ऐसा पढ़ाते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर तालिबे इल्म को भी सब कुछ याद हो जाता है, और उनके पढ़ाने का अंदाज जो है बहुत अच्छा है। सर समझाने का क्या है? इनके अंदर बहुत ऐसी खूबियाँ हैं, जैसे कि कुछ पढ़ाते हैं तो रटवाते नहीं हैं, डायरेक्टली पढ़ाते हैं तो समझाते हैं, समझा करके बच्चे के दिमाग में खुद ब खुद चला जाता है, याद हो जाता है। क्या ज़रूरत है कि जो बच्चे अपने जो का साथ बनते हैं ऐसे कोचिंग से जुड़े? जी बिल्कुल बनना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि उज्जवल भविष्य के लिए अगर जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जब मोहन सर एंड दानिश सर के पास में आ जाए। दानिश रजा, मेरा घर नानपुर हुआ, और मैं कॉमर्स धारा एंड एफएक्स क्लासेस में पढ़ाता हूँ, और जगमोहन सर भी और मैं दोनों आदमी पढ़ाता हूँ, और भी शिक्षक हैं अलग अलग फैकल्टी के हैं जो पढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोग शुरू से ही कई वर्षों से तैयारी बहुत मेहनत से करवाते हुए आ रहे हैं, और सबसे पहली बात यह है कि जो भी गरीब फैमिली से है, जो अतीम बच्चे हैं, जिसके आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो सब बच्चे को मैं पहले उठाता हूँ, पहले जीरो बच्चे को उठाता हूँ, उसे क्रीम बनाता हूँ, इस लेवल पर पहुँचाने का काम करता हूँ कि उसकी हौसला बुलंद करते हुए, उसके उज्जवल भविष्य को देखते हुए उसको मेहनत करवाते हैं, और जो भी टेस्ट का होते हैं वीकली टेस्ट भी लेते हैं, और हमेशा एक अभिभावक के तौर पर हम लोग का केयर होता है, और बढ़िया से जो भी हम लोग से मेहनत होता है उतना मेहनत करते हुए बच्चों को मैं हासिल पूरे एजुकेशन देता हूँ सभी सर के माध्यम से। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से जो भी मेरे पास बच्चे मिल रहे हैं वो जीरो लेवल के मिल रहे हैं, उसे मैं हाई करना चाह रहा हूँ कि ताकि मैं जिस गांव में पढ़ा रहा हूँ और ये टॉप लेवल पर जाए, ताकि ये गांव का नाम रोशन हो, प्लस पूरे बिहार का नाम रोशन है, उसके साथ साथ मेरे कोचिंग का प्लस मेरा नाम रोशन हो, और वो अपने पूरे परिवार का पूरे गाँव का नाम रोशन करते हुए अच्छा कामयाबी की तरफ बढ़ें। इस बैच में तो 57 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन से पास करके ऐसा लगता है कि जिले में इस कोचिंग का नाम रोशन किया है। आगे आपने क्या सोच रखा है आगे के लिए? जी नाम तो रोशन किया है, जिले लेवल पर बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 447 नंबर आए हैं, और ये चाहता हूँ कि मेरा भी कोचिंग हाई लेवल पर जाए, ताकि वैसे बच्चे जो गरीब है पढ़ना नहीं चाहते हैं उसका मेरे कोचिंग पर स्वागत है, वेलकम है, आइए बिल्कुल मैं पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी पढ़ाते हैं। कई बच्चे मेरे इस बैच में हैं जिसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाता हूं, अभी भी बैच चल रहा है, उसमें भी चला मैं पढ़ा रहा हूं। आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर संदेश यह देना चाहते हैं कि इल्म हासिल कीजिए, इल्म एक ऐसी ताकत है कि दुनिया के हर कोने में जा करके हर चीज़ को हिला सकते हैं।
सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, और हमारे तरफ से भी उर्दू न्यूज़ बिहार, उर्दू न्यूज़ को के दर्शक जितने भी हैं उन सभी को हार्दिक अभिनंदन है। जी, मिल रही जानकारी के मुताबिक आपके इस अपेक्स क्लास से 57 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, इस सफलता के पीछे क्या राज रहा? जी सर, हमारे कोचिंग संस्थान कॉमर्स धारा एंड अपेक्स क्लासेज में कुल 57 विद्यार्थी थे हमारे पास इस सेशन में, तो टोटल 57 में 57 मेरा बच्चा प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। इसके पीछे राज ये है कि मैंने अपना सिलेबस प्रत्येक साल 3 से 4 महीना बिफोर हम ख़त्म कर देते हैं और 3-4 महीना पहले हम रिवीजन करवाते हैं। प्लस में हम 2 पब्लिकेशन का बुक चलाते हैं, एक NCERT का बुक और एक SBPD पब्लिकेशन। ये दोनों पब्लिकेशन का बुक बच्चे को जो है पूरी तरह से संपूर्ण सिलेबस के साथ पढ़ाते हैं और समझा के अंडरस्टैंडिंग लेवल से हम बच्चे को पढ़ाते हैं, बल्कि रटने के लिए हम किसी बच्चे को फोकस नहीं करते हैं सर। आने वाले बैच में जो लोग अभी मैट्रिक कर रहे हैं उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन बच्चों को मेरा यही संदेश है कि आप कहीं भी पढ़े तो मतलब समझ के पढ़े, क्योंकि रट के पढ़ने से आप ज़्यादा सफलता की कदम को चूम नहीं सकते हैं। अगर आप समझ के पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल से पढ़ते हैं, देन आप अपने गोल को अचीव करने में बहुत हद तक आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे शहर की ओर रुख कर लेते हैं, माँ बाप भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम शहर में पढ़ावें, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छे ढंग से पढ़ाई हो रही है, जैसा कि अभी आपके ही इस संस्थान ने 57 में 57 बच्चों को का जो रिजल्ट है फर्स्ट डिवीजन का है, क्या कहना चाहिए? ये बात सही है कि सर गांव घर के बच्चे पहले शहर में जाते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन अब ऐसी बात नहीं केवल शहर में ही है, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में है इसमें भी अच्छे अच्छे टीचर, अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले टीचर उपलब्ध हैं। अगर वो अपना अगर इंटरमीडिएट गांव में रह कर के ही ग्रामीण क्षेत्र में रह कर के करते हैं तो फिर आगे आने वाला समय में आगे चल कर वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके वो कोई अच्छा मुकाम पे पहुंच सकता है बच्चा और अच्छा कोर्स कर सकता है। तो इसलिए मैं सजेशन करूंगा कि आप अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए भी मतलब आप भेज सकते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी आप पता कर सकते हैं कौन सा कोचिंग संस्थान में अच्छा बेस्ट एजुकेशन मिल रहा है, फिर वहाँ आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं। यस सर, कितने क्लास तक के बच्चे पढ़ाई होती है? सर हमारा कॉमर्स धारा एंड अपेक्स क्लासेस में कॉमर्स का जो होता है आईकॉम बीकॉम लेवल का पढ़ाई होता है, प्लस फाउंडेशन CPT का पढ़ाई करवाते हैं, प्लस में हमारे पास जो 6 से लेकर के 10 तक का भी हल अलग अलग शिक्षक गण है और सभी मिलकर पढ़ाते हैं, मतलब 6 से लेकर के हमारे पास ग्रेजुएशन तक का पूरा व्यवस्था है। सर यहाँ का पूरा एड्रेस क्या है? मेरे यहाँ का पूरा एड्रेस जो है वो नानपुर छोटी बाजार के समीप है, एज वेल एज जो मेरा एक दूसरा ब्रांच है सर वो मेरा बनौल में हाई स्कूल के निकट में है, जहाँ पे बालासाहेब पुखरारा, भाव रुकरा सभी जगह का बच्चा हमारे पास आता है सर। इन दो जगह के अलावा भी कहीं और आप पढ़ाते हैं? नहीं सर, इन दो जगह के अलावा ऐसे मेरा मेन जो ब्रांच है सर पुपड़ी है सर, इधर तो मैं बाद में आया हूँ, बनौल में 2017 में हम गए हैं, नानपुर में जो है 2013 में हम आए, लेकिन हम पुपड़ी में सर 2011 से पढ़ा रहे हैं। तो एक मेरा ब्रांच जो मेन ब्रांच है पुपड़ी, बाकी इधर भी हम गाँव में बच्चे लोग का कहना होगा सर इधर भी समय दीजिए, तो फिर मैंने इधर 2017 से मैंने बनौल में दिया और 2013 से मैंने नानपुर में समय दिया। आने वाले बैच में जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी आने वाले जो भी बच्चे हैं उनको यही हम संदेश देना चाहेंगे कि अभी से ही शुरू से ही, क्योंकि शुरू से ही आप अगर आप मेहनत करते हैं तब जाकर के अंत में क्या है वो आपके लिए सिंपल हो जाता है, अगर आप शुरू से मेहनत नहीं कर रहे और अंत में जाकर आप मेहनत करना चाहेंगे तो फिर ये टफ हो जाता है कि आप अच्छा उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी क्लास का बच्चा हो या अथवा 10वीं का हो 11th 12th को आप शुरू से ही पूरे मन से और तन से और मतलब मेहनत करना है आपको शुरू से ही, तब जाकर के आप एक अच्छे गोल को प्राप्त कर सकते हैं। लीला देवी, लीला जी ये बताइए आपके बगल में ये कोचिंग क्लास है जी, ये कैसा है क्लास? बहुत अच्छा क्लास है जी, बहुत अच्छा जगमोहन सर, बहुत अच्छी पढ़ाई होता है जी। सर जी जगमोहन सर का नाम पर सारा गाँव का बच्चा बहुत सारा आते हैं जी, हम लोग जी हम लोग का 4 लड़की है मेरे पास, बीसी में पढ़ती है सर। तो आपके बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा? सब फर्स्ट लाई है सर, सब फर्स्ट डिवीजन से पास जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? धन्यवाद देना चाहेंगे बहुत अच्छे से सर जी,
ऐसा ही सब बच्चे को जीवन अपना देते रहे, पढ़ाते रहे। और जो माँ बाप है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? सभी हम यही चाहते हैं कि सभी गार्जियन अपने अपने बच्चा को शिक्षा दे और जगहों से मुलाकात करे, पढ़ाए। राम इकबाल भगत जी, आप प्रिया के पापा हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे एपेक्स क्लास के कॉमर्स एपेक्स क्लास के संचालन करता जो हमारे जगमोहन सर जी हैं, अपने स्तर से जो भी पार लगा सारे बच्चे को शिक्षा दिए हैं, अमृत की तरह सबको पिलाए हैं और टेस्ट ले ले करके सारे बच्चे को जो इसमें 57 के 57 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, इसके लिए मैं सरकता बहुत जी। जी उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी आदमी अपने बच्चे को कॉमर्स अगर पढ़ाना चाहते हैं तो इनसे एक बार जरूर मिले जगमोहन सर और यहाँ एडमिशन करा करके अपने बच्चे का उज्ज्वल भविष्य बना सकें। देख रहे हैं पुपरी न्यूज, पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि पुपरी न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और निष्पक्ष खबरों के लिए पुपरी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर फॉलो करते रहें। अपनों के लिए हम चुनते हैं सबसे खास, जहां मिले शुद्धता का भरोसा, असल की पहचान। तभी तो भोज भात देते हैं किराना का सारा सामान उचित मूल्य के साथ। आटा हो या मैदा, चोकर चावल या चूड़ा, मिलेगा सब यहाँ, वो भी पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ। घर की जरूरत का जो भी सामान बिना संकोच चले आओ भोज भात के पास, बाजार समिति गेट के सामने ऊपरी। कॉल कीजिए 8709807955। यहाँ भोज भात का सारा सामान डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है।